हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लिथियम की सिलेंड्रिकल सेल का ऑटोमेटिक सेल सॉर्टिंग मशीन उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। लिथियम की जो सेल आते हैं डिफरेंट साइज में लिथियम के सेल आते हैं 33,040, 32,700, 28,650, 21,700, 26,650। इस सब सेल को क्या करते हैं, ग्रेडिंग के बाद सेल को सॉर्टिंग भी किया जाता है। तो सॉर्टिंग तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेटिक सेल सॉर्टिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। इसका आज मैं हम आपको बताऊंगा 33,140 सेल को सॉर्ट करने की जो मशीन है, ऑटोमेटिक सेल सॉर्टिंग मशीन, उसके बारे में बताऊंगा। ये स्विच लगा है, ये क्लियर का बटन है, रिसेट और स्टार्ट। इसको मैनुअली स्टार्ट करने का एक प्रोसेस है। क्लीन का मतलब अगर आप सेल जब सॉर्ट करते हैं तो ये कन्वेयर होता है, ठीक है, ये कन्वेयर है। तो कन्वेयर पे क्या होता है, सेल रुक जाता है, जिसके कारण सेल यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। तो क्लीन का बटन दबाने से सेल ऑटोमेटिकली ये चैनल में आ जाता है। ये 5 चैनल का मशीन है, जिसमें 4 चैनल क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज और आयर बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होके चैनल में आ जाएगा। और 5वां चैनल जो होता है, जो चैनल में पैरामीटर आपने नहीं दिया है, वो उसके बाद जो भी वोल्टेज और आयर आएगा वो इसमें आएगा। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एक ऑन ऑफ की दे रखा है, ये ऑन ऑफ की है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर गेज भी लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्रायर भी है, अगर आपको एयर में अगर कोई भी लिक्विड या कुछ भी आए तो यहाँ पे ये यहाँ से ड्रायर कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर है, प्रेशर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके। और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो ऑलरेडी हम क्या कर रखे हैं, फीडिंग एरिया में ऑलरेडी सेल को डाल रखे हैं 33,140, इसको हम फीडिंग एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें 8 पिन लगते हैं, जिसको हम पोगो पिन बोलते हैं। पिन को किस तरह चेंज किया जाता है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और उस लिंक के हेल्प से आप पिन को चेंज कर सकते हैं। इसमें 8 पिन लगेंगे, अगर एक भी पिन प्रॉपरली अगर ठीक से टच नहीं हो रहा है सेल में, तो आपको वोल्टेज और आयर में फ्लक्चुएशन हमेशा आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि पिन जो है प्रॉपरली टच होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये सेल सॉर्टिंग जो है स्कैनर सेल सॉर्टिंग है, बारकोड स्कैनर सेल सॉर्टिंग है, ठीक है। मैं बारकोड दे रखा है, देखिए बारकोड सेल सॉर्टिंग है। तो जो भी बारकोड इसमें रहेगा, इस बारकोड के अकॉर्डिंग सेल का वोल्टेज कितना आया और आयर कितना आया, वो हमारे एक्सेल में या हमारे जो भी कंप्यूटर है उसमें नोट डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो भी AIS अमेंडमेंट अभी आया है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि हमें हर एक बैटरी की एक बैटरी पैक में जो भी सेल लगते हैं, हर एक सेल का वोल्टेज और आयर विद बारकोड के साथ चाहिए। हमें 3 ईयर तक उसका डाटा बैकअप में रखना है। तो बैकअप में तब रखेंगे जब आपके पास सेल ऑटोमेटिकली या मैनुअली इसकी बारकोड को स्कैन करके अपने सिस्टम में उसको सेव करके रख सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ऑपरेट किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेट के लिए यहाँ पे सॉर्टिंग मशीन का एक आइकन दे रखा है, ठीक है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का एक कोई डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है रिसेट का स्टार्ट का पॉज का स्टेप का क्लीन का स्टॉप का ऑप्शन दे रखा है। स्टार्ट सबसे पहले क्या करता है, रिसेट दबा रहे हैं, तो उसके बाद स्टॉप, अगर पॉज करना है तो पॉज, स्टेप मतलब एक सिंगल सेल के लिए आपको सेल शॉर्ट करना है तो स्टेप पे आप यूज कर सकते हैं। क्लीन का मतलब है जिस तरह से मैनुअल क्लीन किया जाता है उसी तरह हम मशीन से भी सेल को कन्वेयर पर से क्लीन कर सकते हैं। स्टॉप मतलब मशीन आपका स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोग्राम जो होता है पैरामीटर किस तरह बनाएंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, ठीक है। फाइल में इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद क्या कहिए, एक फाइल बनाइए जिस भी सेल का आपका बनाना है। अगर आपको 33,140 का एक न्यू लॉट आया है, क्योंकि ये मशीन 33,140 के लिए बना हुआ है, तो आप उसी सेल का बनाएंगे, बट लॉट डिफरेंट है तो आप अलग अलग लॉट का अलग अलग बना सकते हैं। तो फाइल बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक न्यू है यहाँ पे फाइल के, यहाँ पे एक ऑप्शन दीजिए जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने क्या करूँगा 3 और डाल हुआ, ठीक, इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, 3 आ गया। उसके बाद नाम लिखूंगा 33,140A कुछ
कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम करंट प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। करंट का मतलब जो चल रहा है वो एक करंट फाइल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक के तीन पे क्लिक कर रखा हूँ और उसके बाद करंट प्रोग्राम पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे करंट प्रोग्राम पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये आ गया, मतलब ये फाइल जो है अब ये चल रहा है, रनिंग में है, ठीक है। प्रीवियस करना था प्रीवियस, फर्स्ट करना था फर्स्ट, नेक्स्ट लास्ट, ये सब कुछ का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अब हम यहाँ पे आता है प्रोग्राम बनाने की बारी। प्रोग्राम यहाँ पे दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हर एक का डाटा पुट तो नहीं करना पड़ेगा, एक एक डाटा पुट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, स्टार्ट वैल्यू और एक फिक्स इंटरवल का वैल्यू। तो पहले मैं स्टार्ट एंड वैल्यू के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट एंड वैल्यू में क्या है, मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है। तो आप एक सेल का ले लीजिए, एक लॉट है, उस स्लॉट में आपको मिनिमम सेल की एक सेल की वोल्टेज ले लीजिए और किसी एक सेल की मैक्सिमम वोल्टेज ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल की वोल्टेज है 3.20 ऐसे, ठीक है, 20 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे सेल का वोल्टेज है 3.25 ऐसे ले लिया हमने 25, क्योंकि मैक्सिमम है, मिनिमम है, मैक्सिमम 25 ले लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे सेट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये सेट हो रहा है, ये डिफरेंस ले लिया। देखिए इस दोनों के बीच में लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे 3.25 जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा था ना, जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा था 3.25, वो यहाँ पे लास्ट में 3.25 आ गया। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप सेट कर, आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये को दोनों, जैसे मिनिमम वैल्यू इसमें होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, दोनों में ये चैनल में सेम सी होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट ऑर्डर पे एक क्लिक का ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक हटा देंगे और सेट पे क्लिक जैसे करेंगे, देखिए ये क्या होगा, दोनों में सेम सेम आ जाएगा, ये देखिए सेम सेम आ गया, ठीक है। और इसके बाद सेव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना, डिफरेंस रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने से डिफरेंस आएगा मैक्सिमम और मिनिमम। सेम उसी तरह आयर में करेंगे, मिनिमम आयर क्या डालें, सपोज कीजिए मैंने 1 डाला मिनिमम और मैक्सिमम डाल दिया मैंने 3 डाल दिया, ठीक है, मैक्सिमम 3, क्योंकि मिली ओम में ऑलरेडी आता है ये, तो मैक्सिमम मिनिमम ये डाल दिया और उसको सेट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्यों सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेट जो है यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है, शॉर्ट आयर पे क्लिक है। शॉर्ट आयर को अगर मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए सेट किया और यहाँ पे देखिए सब में ये देखिए 1313 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे फिक्स इंटरवल का ऑप्शन है। फिक्स इंटरवल में सेल का मिनिमम वोल्टेज ले लीजिए और डिफरेंस कितना का रखना है, जैसे मिली ओम में हमने डिफरेंस रखा है, जैसे 0.002 मिली ओम का डिफरेंस रख लिया और उसके बाद सेट वैल्यू, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा। देखिए 2 मिली ओम ऐड होते जाएगा, ठीक है, ये ऐड होते जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से वो आप इसको मतलब क्या कहते हैं, फिक्स इंटरवल को आप यूज कर सकते हैं। यही तो मतलब फायदा होता है ऑटोमेटिक सेल लेने का, ऑटोमेटिक सेल सॉर्टिंग मशीन लेने का, यही से फायदा होता है कि आपको वैल्यू जो है मैनुअली पुट नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट मिनिमम डाल दीजिए और इंटरवल कितना का लेना है वो डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पैरामीटर टोटल सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। अब हम क्या करें, फाइल बनने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करना कभी नहीं भूलिएगा। सेव हो जाएगा, फिर मेन पेज पे आइए, मेन पेज पे जाने के बाद आप रीसेट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रेशर भी चेक करना है आपको, प्रेशर आ रहा है कि नहीं। रीसेट करने के बाद आप इसको क्या कीजिए, स्टार्ट कर देंगे। देखिए लेफ्ट सिलेंडर एरर का मतलब यह है कि इसमें प्रेशर ठीक से नहीं आ रहा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रेशर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, प्रेशर हमने क्या करें फिल कर लिया, इसके बाद फिर अगेन रीसेट करेंगे, ठीक है। और रीसेट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए ये बार कोड स्कैन हो रहा है, जैसे किया है उस तरह से ये स्कैन हो रहा है।
इस तरह से क्या करते हैं, बारकोड सेल सॉर्टिंग मशीन को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।